मध्य प्रदेश में किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व मामलों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए आज से राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो रही है। यह महाअभियान 31 अगस्त तक चलेगा। राजस्व महाअभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार एक अभियान चलाने जा रही है जो कि 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण और पात्र किसानों को योजना का लाभ पहुंचाना है। इसमें प्रदेश के बचे हुए ऐसे किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जिन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिसमें किसान सम्मान निधि के हितग्राही भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उम्मीद है कि इस अभियान से जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा। 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।